नमस्कार दोस्तों, वीडियो को जल्दी से बेहतरीन तरीके से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो आने वाली आगे से पता लग जाए। और आज हम बहुत टाइम बाद अपनी सीवी शाइन का दोबारा से BS6 का माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। इसके अंदर पेट्रोल नहीं है, जैसे कि मैं वो क्विक मार्क बार बार दिखा रहा हूँ, बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है, फ्यूल नहीं है ज़रा सा भी गाड़ी के अंदर। और ये काफ़ी टाइम बाद अंदर लॉकडाउन के बाद हम इस वीडियो माइलेज टेस्ट कर रहे हैं दोबारा, तो बने रहिए एंड तक और बहुत सारी रोमांचक बातें भी करेंगे दोस्तों, काफ़ी मन है मेरा। हाँ तो दोस्तों, इसके बाद हम पेट्रोल फिलिंग करेंगे। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर स्टडी चैनल में। मैं आपका प्यारा दोस्त मास्क मैन। शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से ही। दोबारा मैं इसके अंदर 200 ml पेट्रोल डाल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट माइलेज टेस्ट मैंने वही की थी। मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया, और इस बार भी बहुत सारा सपोर्ट आपको देना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों की इच्छा, आप ही की गाड़ी है। 5 गियर में सीबी शाइन BS6, काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है। 125 cc का इंजन है, ब्रेक हॉर्स पावर भी लगभग सेम ही है उसकी, और इसके अंदर ACG स्टार्टर मोटर है, यानी कि साइलेंट स्टार्ट गाड़ी है, यानी कि किक मारोगे तो स्टार्ट होगी होगी, लेकिन सेल्फ की मोटर नहीं है, अर्थात जो सेल्फ की गियर की मैशिंग की आवाज़ आती है वो नहीं आने वाली है, इस वजह से साइलेंट स्टार्ट गाड़ी है। वरना इसकी जो गियर है और जो पावर जनरेट करती है ना कॉइल, हाँ जो लोग टेक्निकल हैं वो जानते होंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात और, जो लोग ये सोचते हैं कि भैया ये गाड़ी क्या बिना बैटरी के स्टार्ट हो सकती है, नहीं हो सकती, दोस्तों बिल्कुल मैं इसे बिना बैटरी के ही स्टार्ट करूँगा, किक से स्टार्ट करूँगा, इसमें बैटरी कनेक्शन नहीं हो रखा। दूसरा सवाल लोगों का ये है कि भैया क्या भैया इसको मतलब खाली पेट्रोल में चला सकते हैं तो इंजन में फूक जाएगा या फिर फ्यूल इंजेक्टर में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी। तो दोस्तों ऐसा, 200 ml पेट्रोल भी डाला है मैंने गाड़ी के अंदर, आप चाहो तो 50 ml पेट्रोल में भी चला सकते हो गाड़ी को। पर देखो सिंपल सा प्रोसेस है इसमें, क्या है कि फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम है, फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम का मतलब कार्बोरेटर नहीं है, यानी कि इसके अंदर मोटर पंप है, यानी कि एक मोटर इस्तेमाल हो रही है। कार्बोरेटर में कोई मोटर इस्तेमाल नहीं होती, कार्बोरेटर होता है, लेकिन मोटर वाले सिस्टम में क्या है कि इसके अंदर पेट्रोल टैंक से मोटर के अंदर जाएगा, मोटर क्या है कि घूमेगी और पेट्रोल को स्पीड अप करके, ये देखिए स्टार्टिंग रेंज जो है 750 मीटर से स्टार्ट कर रहे हैं हम माइलेज टेस्ट का, और ये रीडिंग नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम फाइनल रीडिंग भी आपको देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं कहाँ पर था दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि बहुत सारे लोग ये जानते ही हैं कि ये लोग जानते हैं मतलब कि बहुत सारे कि सोचते भी हैं कि मोटर है, अगर मोटर के अंदर फ्यूल जाएगा नहीं और वो खाली पंप अगर चलेगा तो फूकने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 लीटर पेट्रोल रखेंगे ना, ऐसा नहीं। आपका नॉर्मल पेट्रोल अगर ख़त्म हो जाता तो उसका मतलब ये नहीं कि पेट्रोल ख़त्म हो गया फिर भी आप गाड़ी को ज़बरदस्ती रगड़ते रहो, नहीं, वो गाड़ी चलेगी ही नहीं ऑटोमेटिक, तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी कुल मिला के गाड़ी के साथ में। तो नॉर्मल चलाओगे कोई दिक्कत नहीं आनी फ्यूल इंजेक्टर पे, लेकिन हाँ अगर बिना मतलब के भगाते रहोगे पेट्रोल ख़त्म होगा उसके बाद भी ज़बरदस्ती करोगे तो हो सकता है कि मोटर में प्रॉब्लम आ जाए, पंप के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, बस और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सेंसर भी ख़राब हो सकता है थोड़ा बहुत फ्यूल इंजेक्टर का। पर इसका पहले क्या होता था, देखो जो पहले का प्रोसेस था वो ये था कि जो फ्यूल इंजेक्टर का पंप रहता था ना, वो पंप बड़ी गाड़ियों में टैंक के अंदर ही होता है, इसी वजह से 2 लीटर पेट्रोल मिनिमम कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर पंप डूबेगा नहीं तो पंप पेट्रोल खींचेगा कहाँ से। लेकिन बाइकों के अंदर क्या किया कि पेट्रोल और टैंक से और पंप का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि पेट्रोल में अगर टैंक के अंदर थोड़ा सा भी अमाउंट का पेट्रोल है ना तो वो आपके पंप तक पहुँच जाएगा, पंप उसे आगे सप्लाई कर देगा। तो ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है कि 2 लीटर पेट्रोल आपको रखना ही रखना है गाड़ी के अंदर, ठीक है। तीसरा सवाल, क्या इनकी पावर कम है BS4 के मुकाबले? देखो हाँ सर, ऐसा है कि इंजन के अंदर थोड़ी पावर 19-20 का जो फ़र्क होता है ना, उससे भी 19-20 का फ़र्क आएगा आपको, मतलब पॉइंट में फ़र्क आने वाला पावर का, क्योंकि रिफाइन इंजन जितना है कि पावर में डिवाइड उतना हो जाता है। क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे पहले BS3 थे, फिर बहुत पहले पुराने ज़माने में इतने पावरफुल इंजन जो होते थे वो धीरे धीरे पावर इंजन की कम कर दी गई नहीं है, पर फिर भी इंजन की पावर ऑटोमेटिकली कम होती रहती है, जितना रिफाइन होगा इंजन माइलेज बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ तो कम होगा ही होगा, ये अब सिंपल सा फॉर्मूला है, मतलब कि माइलेज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर, मतलब अगर पावर बढ़ेगी तो माइलेज कम होगी, माइलेज बढ़ेगी तो पावर कम होगी होगी गाड़ी की, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा सफ़र रहा है अभी हमारा आपके साथ में, और बहुत अच्छा बीतेगा भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सफ़र को, और मैं आपसे विदाई लेता हूँ, आगे तक वीडियो को देखिएगा एंड तक, या फिर मैं साथ में ही रहता हूँ, क्योंकि आप लोग बड़े ज़िद्दी किस्म के हो, छोड़ के चले जाओगे वीडियो को और देखोगे नहीं पूरा एंड तक। तो चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ, साथ में बोलते रहता हूँ, काफ़ी मतलब मज़ा आ रहा है, मौसम अच्छा है आज, मतलब कि तारीख
काफ़ी बेहतरीन है। 7 तारीख है मेरे ख्याल से। हाँ देखिए कितना प्यारा मौसम है 7 तारीख होने के बाद भी, और धूप अच्छी खासी धूप है चिलचिलाती हुई, और गर्मियों का एक आनंद। नॉर्मल ना ज़्यादा गर्मी है सड़कों पर, ना ज़्यादा हुआ है। भीड़ देखिए काफ़ी है, मतलब भीड़ अब भी इतनी है कि पूछिए मत सड़कों पर। भाई साहब इतनी ज़्यादा भीड़, मतलब कैसे है यार सड़कों पर आज भी, मतलब खैर ये सब डेली इंपॉर्टेंट काम वाले लोग हैं। मैं चलाइए से भीड़ वाले जाके मेरा हूँ। ये देखिए बैरियर्स हैं अभी भी सड़कों पर, ऐसी बात नहीं कि बैरियर नहीं है, पर मुझे ज़्यादा ज़्यादा दूर नहीं जाना, मुझे गली मोहल्ले में ये गाड़ी चलानी है और माइलेज टेस्ट ख़त्म करके वापस जाना है, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं जा सकता मैं, क्योंकि फिर सरकार के नियमों का उल्लंघन ना हो जाए, इस वजह से मैं अंदर गलियों में से ही गाड़ी मोड़ कर और घुमा कर आपको वापस अपनी जगह पर पहुँचा दूंगा इस गाड़ी को। और आपको काफ़ी खुशी होनी चाहिए दोस्तों आपको, मतलब बहुत दिनों बाद दोबारा मैं माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ, मेरा मतलब कि बहुत खुशी मिल रही है। बाइक को हाथ में पकड़े हुए लगभग लगभग 1.5-2 महीना होने को आ रहा है मेरे को। इन 2 महीनों में मैंने गाड़ी कैसे पकड़ते हैं ये भूल गया था मैं। अब मुझे मतलब बहुत दिनों बाद बहुत तलब, जिसे कहते हैं वो तलब लगी हुई थी, और अब जाके वो तलब मेरी पूरी हो रही है। धीरे धीरे सारी गाड़ियों के माइलेज टेस्ट कर दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट हो रहा है यार, मैं अपने चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो डालता हूँ टेक्निकल नॉलेज वाली, इधर उधर की सारी देख लिया करो यार, और सारी वीडियो को लाइक भी किया करो, क्योंकि भाई मैं तो अपने चैनल पर सारी वीडियो डालूंगा, तिल से लेकर ताड़ तक और राई से लेकर पहाड़ तक, A to Z नॉलेज मेरा देने का प्रोसेस है, यानी कि मेरा प्रोमिस है अपने आप से कि हर नॉलेज वाली वीडियो मेरे चैनल पे होनी चाहिए, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल की हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की हो, चाहे वो कोई भी क्रिएटिविटी वीडियो नॉलेज वाली। तो दोस्तों सारी वीडियो देखे करो मेरी, ये एडवर्टाइजमेंट करता रहता हूँ मैं, क्या करूँ पकाता भी हूँ मैं, जानता हूँ बहुत लोग पक रहे हैं, और जो लोग पक रहे हैं तो कृपया करके फ़ोन की वॉल्यूम डाउन करके मेरी आवाज़ ना सुने। और हाँ दोस्तों मैं इसे बहुत देर से चला रहा हूँ, और लगभग ये 11 किलोमीटर 11.9 समथिंग कुछ किलोमीटर चल चुकी है, यानी कि कुल मिला के 12 किलोमीटर ये जा चुकी है गाड़ी 200 ml के पेट्रोल में, और ये मतलब चली जाएगी और चली जा चुकी है, मतलब इतना ही चल पाएगी, क्योंकि अभी थोड़ा और किलोमीटर जाएगी, क्योंकि 11.9 किलोमीटर जा चुकी है गाड़ी, अभी मेरे ख्याल से थोड़ी दूर और जा चुकी है। इसके इंजन और साउंड पेट्रोल के सुन के मुझे डर लग रहा है, कोई बात नहीं 12 किलोमीटर के आसपास तो निकल जाएगी आराम से। तो 12 किलोमीटर भी अगर ये गाड़ी चलती है तो लगभग अप्रोक्स आपको ये दे देगी गाड़ी, ये 60 से 65 की माइलेज आपको दे देगी नई गाड़ी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो के एंड तक देखने के लिए।